नालंदा जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हो चुके हैं, लेकिन पिछले चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इसी कारण नालंदा जिले में जहां 1 जून को मतदान होना है, वहां प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में बिहार शरीफ के टाउन हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उद्देश्य आगामी चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाना और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। नालंदा जिले के जितने भी इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, स्कूल और कॉलेज हैं, उन सभी को इस अभियान से जोड़ा गया है। साथ ही जितने भी कैंपस एम्बेसडर बनाए गए हैं, स्काउट गाइड और NCC के बच्चे भी इसमें शामिल किए गए हैं। इन सभी लोगों से आम जनता को मतदान में भाग लेने के लिए जागरूक करने को कहा गया है। उप विकास आयुक्त विकास वैभव ने बताया कि निर्वाचन के संबंध में इन लोगों को अपने स्तर से समाज, स्कूल, कॉलेज में शिक्षकों और बच्चों को मतदान के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर पीने सर क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर? देखिए, हमारे जिले में जैसा आप सभी को पता है, लोकसभा आम निर्वाचन 1 जून 2024 को निर्धारित है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में DM सर के निर्देश से हम लोगों ने आज यहां टाउन हॉल में जितने भी हमारे ज़िले के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस में क्लब्स बनाए गए हैं, कैंपस एम्बेसडर्स हैं, हमारे जितने भी स्काउट गाइड्स और NCC के जितने बच्चे हैं, उन लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि हम उन लोगों को जागरूक कर सकें कि निर्वाचन के संबंध में उनको अपने स्तर से समाज में, अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने टीचर्स को, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके परिवारों को क्या संदेश देना है। हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आज सभी हमारे बच्चे यहाँ आए हैं सभी लोगों को ये बताने के लिए कि निर्वाचन के लिए इस ज़िले के सभी मतदान केंद्रों पर बहुत ही व्यापक व्यवस्था की गई है। धूप को ध्यान में रखते हुए, हीट वेव को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था और शेड इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदान के दिन DM सर ने बहुत ही इलैबोरेट अरेंजमेंट करवाए हैं और बहुत ही क्लियरली बताया है कि सभी जगहों पर आशाकर्मी इत्यादि रहेंगे जो ग्लूकोज वगैरह लोगों को पिलाते रहेंगे समय समय पर, और हेल्थ किट की भी हमारी अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो सभी लोगों से यही अपील है कि निर्वाचन के दिन सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट डालने जरूर आएं। आज मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं जिले में? हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वोट दीजिए। 1 जून को हमारे नालंदा जिला में वोटिंग है, तो आप लोग आइए और वोट कीजिए, जिससे हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो। हम लोग का एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है और हम एक वोट देके अपन अपना देश के भविष्य को बदल सकते हैं, इसलिए आप लोग आगे आइए और वोट कीजिए। खासकर जो दिव्यांग है हमारे समाज में, जो गांव के लोग हैं, जो सुदूर इलाके के हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों को हम, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन लोगों को मोटिवेट कीजिए और उनको बूथ तक पहुंचाइए और वोट करवाइए, जिससे हमारा देश और हमारा समाज बदले और एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो। इसके लिए आप लोग वोट कीजिए।